हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैंगो आर्ट्स। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में, क्या आर्ट में स्कोप है? क्या हम आर्ट पेंटिंग में कैरियर बना सकते हैं? तो हमें किस तरीके से बनाना चाहिए? तो ये वीडियो खासकर बिगिनर्स के लिए है या उन लोगों के लिए है जिन्होंने 12th पास किया हुआ है और वो कन्फ्यूज़ हैं कि उनको क्या लेनी चाहिए, आर्ट लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। उनको ये थोड़ा डाउट होता है कि आर्ट में कुछ कैरियर है या नहीं, आगे वो इस चीज़ में आगे बढ़ पाएंगे। तो आर्ट क्या चीज़ है, किस बारे में है और उनको क्या करना चाहिए, तो इस बारे में इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो जो भी आपके मन में डाउट हैं, जो भी आपके मन में सवाल होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और क्या चीज़ होती है, कैसे हमें क्या करना है, तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा, काफ़ी टिप्स मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ जो आपके बहुत काम आने वाली है। तो वीडियो ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए कि मैं एक एक पॉइंट जो भी आपको बता रहा हूँ तो आपके बहुत काम आने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पेंटिंग आर्ट एक ऐसा फील्ड है और एक काफ़ी दिलचस्प भी है, और इसमें काफ़ी लाखों लोग इसमें अपना नाम, पैसा, दौलत, शोहरत सब कमा रहे हैं। एग्जाम्पल में ले लीजिए, जैसे आपने सुना होगा MS हुसैन, पिकासो, इनकी पेंटिंग भी आपने देखी होगी, काफ़ी नाम सुना होगा। तो ऐसे ही लाखों आर्टिस्ट हैं जो अपना नाम बना चुके हैं और अभी भी नाम बना रहे हैं इस आर्ट फील्ड में। तो कितने लोग ऐसे होते हैं कि उनको कुछ पता ही नहीं होता है कि इसमें आगे आर्ट में क्या करना होता है, कैसे वो नाम कमाएं, उनको इतनी नॉलेज नहीं होती है कि आगे उनको ये सोचते हैं कि इस चीज़ में कुछ है या नहीं, आगे वो कुछ बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे, वो काफ़ी हार जाते हैं, उनके अंदर टैलेंट नहीं होता है। तो सबसे पहले इसमें आपके अंदर एक टैलेंट होना चाहिए इस चीज़ का, चाहे वो आर्ट हो या कोई भी चीज़ हो। अगर आप सिंगर हैं या आपको कोई भी चीज़ का शौक हो तो उसको आपको पहले खुद निखारना पड़ेगा हर चीज़ में। अगर आप सीधे, अगर आपको शौक ही नहीं है किसी चीज़ का और वो आप सीखने चले जाओगे तो अंदर से जब इच्छा ही नहीं है आपके, तो आप उसको कैसे सीखोगे, आप उसको अंदर से और कैसे निखार लाओगे? तो पहले तो आप उस चीज़ को अपने अंदर एक इच्छा जगाइए जो आपके अंदर जो टैलेंट है। अगर आप आर्ट फील्ड में जाना चाहते हैं तो जो अगर आपके अंदर से इच्छा है कुछ बनाने की, कुछ करने की, तो आप इस फील्ड में जा सकते हैं और इसमें वाकई में इसमें आगे आपको नाम भी मिलेगा, फेम भी मिलेगा और इससे अच्छा अर्न भी कर पाएंगे आप। बस ये डिपेंड करता है कि आप अंदर से क्या सोचते हैं। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आप आगे लाइफ में कुछ कर पाएंगे। तो कई बार क्या होता है, कुछ लोगों को पता ही नहीं होता है आर्ट के बारे में, कि उनको इतना ज्ञान नहीं होता है कि वो आगे क्या करें, कैसे करें, उस मुकाम तक वो नहीं पहुंच पाते हैं जहां उनको होना चाहिए। उनको सही नॉलेज नहीं मिल पाती है, उनको पता ही नहीं है कि आर्ट उनको किस जगह तक ले जा सकती है, किस दुनिया के उस मुकाम तक ले जा सकती है जहां उनको सक्सेस मिल सकती है, उनको नेम फेम मिल सकता है। तो कुछ गलत फहमियाँ उनको हो जाती हैं इस एज में, जो बिगिनर्स होते हैं जो 12th के बाद सोचते हैं कि हमें क्या करना है, या कोई नए भी हैं जो आर्ट करके सोचता है कि इसमें आगे कुछ नहीं रखा है, तो इसी सोच में ही रह जाते हैं। या लोग डीमोटिवेट भी कर देते हैं कितनी बार कि तेरा आर्ट अच्छा नहीं है तो कुछ नहीं कर सकता है। तो इस बारे में कभी कभी क्या होता है, डीमोटिवेट हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि इसमें कोई कैरियर नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, तो इस वजह से वो पीछे हो जाते हैं। तो पेंटिंग में कैरियर बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि वो पेंटिंग है क्या, वो आर्ट के किस बारे में है और वो कितनी गहराई में है, उसमें आपको करना क्या है, ये चीज़ आपको ज़रूर जान लेनी चाहिए। आर्टिस्ट बनना एक ऐसा प्रोफेशन बन गया है जिसमें एजुकेशन बेसिस और नॉन एजुकेशन बेसिस पेंटर्स अपने टैलेंट के बल पे काफ़ी सफल हो रहे हैं। तो अगर आपको आर्टिस्ट या पेंटर बनना है तो आपके अंदर ये टैलेंट और इमेजिनेशन ज़रूर होनी चाहिए, ताकि आप अपने आर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा निखार सकें, क्योंकि इसमें आपको बहुत टाइम लगता है, इस चीज़ को निखारने में कई सालों भी लगते हैं। तो आपके अंदर टैलेंट और इमेजिनेशन ज़रूर होनी चाहिए, तो आप इस चीज़ को समझ पाएंगे कि आपको आगे किस तरीके से करना है, कैसे क्या करना है, क्योंकि जब तक आपके अंदर सोच नहीं होगी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है आपके अंदर, और आप किसको किस तरीके से निखार सकते हैं उसकी इमेजिनेशन आपके अंदर होनी चाहिए। पेंटिंग ऐसा आर्ट है जिसमें हम कलर मिक्सिंग करके एक हम कोई दृश्य बनाते हैं, कोई पेंटिंग बनाते हैं, या हमारे पास पेंसिल है, हम उससे जो हम ड्रॉ करते हैं, हमारी जो इमेजिनेशन होती है, हमारी फीलिंग्स होती हैं, तो एक हमारे अपने विचार होते हैं, भावनाएं होती हैं, तो इस तरीके से हम पेंटिंग को व्यक्त करते हैं इस माध्यम से। तो आर्ट सिर्फ ट्रेडिशनल पेंटिंग में ही नहीं, ये कई तरीके से बनाई जाती हैं, जिसमें हम कैनवास होता है, हमारे वॉल में बनाते हैं, कपड़ों में बनाते हैं, किसी गिलास में भी बनाते हैं। तो काफ़ी तरीके के मटेरियल्स होते हैं जिसमें हम पेंटिंग का यूज़ कर सकते हैं और उन्हें अच्छे दामों में सेल भी कर सकते हैं।
तो ऐसे ही इनमें कलर्स भी बहुत आते हैं, इसमें अलग अलग वेरिएंट कलर होते हैं, जिसमें हम ऑयल कलर, ऑयल पेस्टल, सॉफ्ट पेस्टल, एक्रेलिक कलर, चारकोल पेंसिल, कलर पेंसिल। तो इन तरीके से हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं पेंटिंग बनाने में। कोई भी तरीके की आप पेंटिंग बना सकते हैं जिसमें आपका टैलेंट हो, जिसमें आप सोचें कि इस चीज़ में मैं आगे कुछ कर सकता हूँ, कुछ बन सकता हूँ। आप चाहें तो हर तरीके की आर्ट बना सकते हैं, या फिर आप जिस चीज़ में भी माहिर हो उस आर्ट को एक अच्छे एक लेवल में ले जाइए, जहाँ आपका नेम फेम अच्छे से बन सके। जो भी आपके अंदर टैलेंट हो तो उसी टैलेंट को आप आगे उसको बढ़ाइए। और अगर आपके अंदर ये भी टैलेंट है कि आप और चीज़ों को भी आप यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, या उस चीज़ को भी निखार सकते हैं, तो वो भी आप सब कर सकते हैं। ड्राइंग आर्ट में अपना कैरियर बनाने के लिए आप इसका कोर्स भी कर सकते हैं। इसका BFA का कोर्स होता है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स का, जहाँ 4 साल आपको सिखाया जाता है कि किस तरीके से बेसिक होता है, कैसे उसमें विजुअल आर्ट के बारे में आपको बताते हैं, आपकी इमेजिनेशन, आपकी सोच, आपकी फीलिंग्स, उन चीज़ों को सबको निखारा जाता है वहाँ पे। आप इसका कोर्स कर सकते हैं, 4 साल तक इसका कोर्स होता है। हाँ, मैंने इसका कोर्स नहीं किया है, मैंने 12th के बाद मैंने इसमें ऐसे आर्ट का कोई भी कोर्स नहीं किया। मेरा तो शौक था, खाली इस चीज़ का शौक था बचपन से ही, तो इस चीज़ को मैं अपने शौक के तौर पे ही करता रहा। तो मैंने अपने ही टैलेंट को इस चीज़ को निखारा है। अगर आपके अंदर कोई टैलेंट अगर इस चीज़ का है शुरू से ही, तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप कोर्स करें। हाँ, अगर आपको लगता है कि कोर्स की ज़रूरत है आपको इस चीज़ में, और ज़्यादा आपको अपना करियर बनाना है, अगर आपको इसमें अपनी नॉलेज और बढ़ानी है, तो आप कोर्स कर सकते हैं, कोई हर्जा नहीं है। आप कोर्स 4 साल का कर सकते हैं, उससे क्या होगा, आपको और अच्छी नॉलेज मिलेगी उससे। मेरे को नहीं मिला, मैंने इतना उस टाइम पे इतना सोचा नहीं था जैसा मैं आज आपको बता रहा हूँ, क्योंकि तब मैं उस सोच में और अब सोच में मेरा बहुत अंतर आ गया था। लेकिन मैंने अपने आर्ट को खुद ही निखार लिया, इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी कि मुझे कहीं कोर्स के लिए जाना पड़े। इसलिए अगर आप बिगिनर्स हैं, स्टार्टिंग है, तो आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। मैंने तो स्टार्टिंग मैंने सोचा भी नहीं था कि आर्ट में इस लेवल तक ले जाऊंगा, लेकिन मैं एक अपनी प्रैक्टिस खुद ही करता रहा, और मैं सब एक मन में था कि एक हाँ एक आर्टिस्ट बनूंगा, एक अच्छा बनूंगा। तो इस तरीके से मैं बस प्रैक्टिस करता रहा, तो आज थोड़ा सा इस लेवल पे आ गया हूँ, जहाँ आज मैं खुद आपको बता रहा हूँ कि आप इस चीज़ का कोर्स कर सकते हैं, कोई देरी नहीं हुई है। तो इस कोर्स से जितना अगर आप करेंगे उसको आपको नॉलेज और ज़्यादा मिलेगी, और आप आर्ट क्लास में म्यूरल पेंटिंग भी सीख सकते हैं। म्यूरल पेंटिंग वो हुई जो वॉल पे हम आर्ट बनाते हैं, तो उसमें एक अलग अलग तरीके का वॉल आर्ट होता है, तो उसका कोर्स भी आप वहाँ पे सीख सकते हैं। तो पेंटिंग में करियर बनाने का एक दूसरा रास्ता भी है, जिसमें आप 12th के बाद डिप्लोमा इन पेंटिंग, डिप्लोमा इन स्केच, तो इस तरीके का आप कोई कोर्स भी ले सकते हैं, और आप उसमें अपना एक करियर बना सकते हैं आगे। तो उसके बाद आप MA का कोर्स भी कर सकते हैं, जिससे आप थोड़ा सा रिसर्च भी कर लेंगे। आप किसी स्कूल में, कोई प्राइवेट हो या गवर्नमेंट स्कूल हो, तो वहाँ पे भी आप आर्ट टीचर का काम कर सकते हैं। आप इस तरीके से अर्न कर सकते हैं, इस तरीके से अपना नाम कमा सकते हैं। चाहे तो आप आर्ट टीचर बन सकते हैं, चाहे तो आप एक खाली आर्टिस्ट बन के अपने वर्क को डिस्प्ले कर सकते हैं किसी एग्जीबिशन के द्वारा। कहीं आप चाहे लोकल में एग्जीबिशन लगा लीजिए, या कहीं बाहर एग्जीबिशन लगा लीजिए, जिससे आपका नेम फेम होगा, उससे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानेंगे, आपकी पेंटिंग्स भी बाय करेंगे। इस तरीके से आप अपने वर्क को निखार सकते हैं। तो अब जैसे आपने कोई कोर्स नहीं किया है, आपका टाइम, आप सोचते हैं कि अब मेरी एज ऐसी हो चुकी है कि अब मैं कोई कोर्स नहीं कर रहा, लेकिन मैं आर्ट फिर भी नहीं छोड़ना चाहता, मुझे आगे आर्ट में फ्यूचर बनाना है, अपना अपना करियर बनाना है, तो अपने आर्ट को आप ज़्यादा से ज़्यादा निखारिए, उसको खूब अच्छा करिए, खूब अच्छे से डिस्प्ले करिए, जिससे आपको धीरे धीरे करके काम मिलना शुरू हो जाएगा। तो कोई अगर आपका पोर्ट्रेट में हाथ सेट है, तो आपको पोर्ट्रेट के ऑर्डर्स मिल सकते हैं। अगर आप वॉल में पेंटिंग बनाते हैं, तो आपको जगह जगह कहीं रिजॉर्ट में या कहीं और लोगों से वॉल के वर्क आपको मिल सकते हैं। जितना आप डिस्प्ले करेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने वर्क को डिस्प्ले करेंगे, तो उतना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, और वो लोग आपसे काम करवाएंगे। वो काम तभी करवाएंगे जब आपका वर्क अच्छा होगा। तो जो भी आपका, आप जिस फील्ड में भी हैं, जो भी वर्क आप बना रहे हैं, तो उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप डिस्प्ले करेंगे, जितना ज़्यादा लोग जानेंगे, तो उस हिसाब से आपको काम मिल सकता है। किसी के घर में मिल सकता है कोई काम पेंटिंग का, मिल सकता है कोई आपसे कोई भी ऑर्डर वर्क करवा सकता है, कोई कमीशन वर्क करवा सकता है। तो उस चीज में आपको बस यही फोकस रखना है। आपको इतनी जल्दी कहीं भी कोई भी सफलता नहीं मिलेगी जब तक आप मेहनत नहीं करते हो। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी पहले से ही, किसी को अर्निंग नहीं होती है,
कई साल आपको वेस्ट करने पड़ेंगे इसी आर्ट में ही। उसको वेस्ट चाहे आप वेस्ट करके बोलिए या आप उसको मेहनत करके बोलिए, 4-5 साल आपको इस चीज में बस लगना है कि मुझे अर्न तो अभी कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अर्न उससे क्या होता है, आप अपना नाम अर्न कर सकते हो, अपने कामों में लगे रहो। मैं भी 3-4 साल पहले जब मैं सोचता था, जो भी मैं बनाता था तो मैं उस टाइम पे अर्न नहीं करता था, लेकिन बस मेरे अंदर मैंने ठान ली थी कि आगे मुझे इस चीज़ में अर्न करना है। मैंने इतनी मेहनत जो करी है, इतने साल से इतना टाइम जो इसमें वेस्ट करा है, या मैंने जो इतनी मेहनत करी है, उस चीज़ को मैं अर्न जरूर करूँगा। मैंने अपना नेम अर्न कर लिया। सबसे मुश्किल होती है आज के टाइम पे अपना नाम कमाना, सबसे मुश्किल होता है। तो अगर आपने नाम कमा लिया तो सब कुछ कमा लिया। अपने पेरेंट्स के लिए आप सबसे बेस्ट हो जाओगे। अगर आपने अपना नाम कमा लिया, सब आपको लोग जानने लगेंगे, पहचानने लगेंगे, और नाम के बाद ही आप अर्न करना शुरू कर देंगे। जब नाम होगा तभी पैसा होगा, पैसा होगा फिर नाम होगा, इस तरीके से नहीं चलता है। तो अपनी प्रैक्टिस करते जाइए और इस चीज़ में आगे अपना नाम बनाइए और अर्न करिए। आपको आर्ट में भी आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से पैसा मिलता है। जितना एक्सपीरियंस होगा उतने ही आपके पैसे बढ़ते जाएंगे। जैसे अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आपकी सैलरी है 20,000 रुपये, अब आप वहाँ पे 2 साल या 3 साल से काम कर रहे हैं, आपकी सैलरी अभी वही है। जब भी आप दूसरी जॉब के लिए जाएंगे, वहाँ अप्लाई करेंगे, तो आपको वहाँ पे अपना एक्सपीरियंस दिखाना होगा 2 या 3 साल का, तभी आपकी सैलरी कुछ ज़्यादा आपको मिलेगी, वो 30 से 40 हज़ार हो जाती है। तो वैसे ही आर्ट में भी है। आर्ट आप जितने सालों से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिस हिसाब से आप अपनी प्रैक्टिस बनाए रख रहे हैं कि 4 साल हो गए या 3 साल हो गए, आपने जितना एक्सपीरियंस अपना गेन कर लिया है, अपने जितना आपने प्रैक्टिस कर ली है, तो उस हिसाब से आप आगे पैसा बढ़ा सकते हैं अपने वर्क के हिसाब से। अगर आपने अभी हाल ही में ही शुरू किया है, आपका नाम नहीं है, कोई आपको जानता नहीं है, आपके वर्क सिर्फ डिस्प्ले करने के लिए 2 या 3 हैं या 10 हैं या 20 हैं, आपने उतना वर्क अच्छा नहीं करा है, तो कोई भी आपको काम नहीं देगा और ना ही कोई इतना पे करेगा जितना आप उसको तो अगर बोलेंगे। आपकी आर्ट आर्ट अच्छी है, आप अगर अच्छे आर्टिस्ट हैं, तो आपकी कला पे पकड़ और कुशलता पर निर्भर होता है कि आपका वर्क कैसा है। सब उसी के बेसिस पे होता है, जैसा आपका वर्क उसी हिसाब से पैसे। कई सारे आर्टिस्ट लाखों रुपए भी कमा रहे हैं, कुछ हजारों भी कमा रहे हैं, काफ़ी लोग 30 से 40 हज़ार रुपये भी इसमें अर्न कर रहे हैं आर्ट में। ज़रूरी नहीं है कि आपने डिप्लोमा लिया है इसमें या नहीं, आपका सिर्फ टैलेंट ही आपके लिए बहुत है। अगर आपका टैलेंट है और आप वर्क अच्छा बना रहे हैं, तो आप इस तरीके से अर्न कर सकते हैं। बताना नहीं चाहिए, लेकिन मैं भी इसी तरीके से अर्न कर रहा हूँ। 30 से 40 हज़ार रुपये मंथली पेमेंट मिलती है, क्योंकि सिर्फ एक आपके टैलेंट के ऊपर ही, अगर आपके पास टैलेंट है तो आप इस तरीके से अर्न कर सकते हैं। तो एक आर्टिस्ट बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी कंपनी से जुड़ना है या किसी संस्थान से जुड़ना है या कोई आपको अलग से कोई स्पेशल उनके लिए काम करना है। आप इस चीज़ के लिए फ्री हैं। अगर आपके पास टैलेंट है तो आप इसको किसी भी तरह से डिस्प्ले कर सकते हैं, चाहे आप एग्जीबिशन लगाइए, चाहे आप यूट्यूब में चैनल बनाइए, अपने आर्ट को दिखाइए, या आप सोशल साइट में जाके अपने आर्ट को पोस्ट करिए। कहीं भी आप इस तरीके से नेम फेम कमा सकते हैं। जब आपका नेम फेम होगा तो आपको काम भी मिलना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से आप अर्न कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका आपको रिप्लाई एकदम से मिल जाएगा। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं इस तरीके की वीडियो आपके लिए लेके आते रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।